नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नरसिंह गुरु में। तो आज हम देखने वाले हैं इमरजेंसी ड्रग्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हम कुछ 5 ड्रग्स देखने वाले हैं। तो वीडियो को गौर से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इन वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो आपको दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिएगा पार्ट टू में देखते हैं कौन से ड्रग है। डायजेपाम, डिजोक्सिन, डोपामिन, डोबिटामाइन और हेपेरिन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ड्रग से, जो कि है डायजेपाम। डायजेपाम ये किस क्लास का ड्रग है? एंटी एंगजाइटी ड्रग है, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है और एंटी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। मतलब कि एंगजाइटी को कम करता है। जिस भी पेशेंट में आकड़ी आता है, कन्वल्जन आता है, वो कन्वल्जन कम करता है। कन्वल्जन के क्योर के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एज अ स्केलेटल मसल यूज रिलैक्सेंट भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेजरली इसका यूज़ एंटी एंगजाइटी और एंटी कन्वल्सेंट ये होता है। अब इसका एक्शन क्या है, ये क्या करता है? हमारे एक न्यूरल ट्रांसमीटर है जिसका नाम है GABA, मतलब गाबा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है और इसकी जो एक्शन है उसको ये एनहांस करता है डायजेपाम। मतलब इसकी एक्शन जो है इसको बढ़ाता है, और इसकी एक्शन बढ़ने की वजह से बाकी जो बॉडी के न्यूरो ट्रांसमीटर है उनकी जो एक्शन है वो कम होती है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में एंटी एंगजाइटी और एंटी कन्वल्सेंट ये एक्शंस दिखते हैं। ओके, तो उसके बाद इसका यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ हम डायजेपाम का यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट थिंग एंगजाइटी। जिस भी पेशेंट को एंगजाइटी होता है, पेशेंट बहुत ही घबरा जाता है, बहुत पेशेंट किसी भी सिचुएशन में, तो उनको वो डिसऑर्डर ही हो जाता है। तो इस डिसऑर्डर में हम क्या देते हैं, डायजेपाम देते हैं। उसके बाद अगर कोई अल्कोहल विड्रोवल का पेशेंट है, तो अल्कोहल विड्रोवल के पेशेंट में बहुत बार एजिटेशन होता है, बहुत एंगजाइटी होता है, कुछ भी चीज़ यहाँ वहाँ इधर उधर फेंक देते हैं, तो उस पेशेंट को भी हम डायजेपाम का इंजेक्शन देते हैं। तो अल्कोहल विड्रोवल क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट बहुत सालों से दारू पी रहा है और उसको 3-4 दिन दारू कंटिन्यूसली नहीं दिया, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस दिखने लगते हैं और वो इंसान पागल जैसे हो जाता है। तो उस इंसान में हमें क्या करना पड़ता है, उसकी जो एजिटेशन है वो कंट्रोल करना पड़ता है, और इसीलिए हमें उसको डायजेपाम देना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारे टाइप्स के सीजर यहाँ मैंने दिया हुआ है, एडजक्टन सीजर। तो इस बहुत सारे सीजर, ऑलमोस्ट ऑल सीजर में हम डायजेपाम का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई पेशेंट एजिटेटेड है तो उसमें भी डायजेपाम का यूज़ देते हैं पेशेंट को सुलाने के लिए, क्योंकि इसका और एक एक्शन है सेडेटिव हिप्नोटिक्स। सेडेटिव हिप्नोटिक्स मतलब कि ये हिप्नोसिस, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पिक्चर्स में वो ऐसे कुछ दिखा के पेशेंट, जो इंसान होते हैं उनको कुछ अलग ही दुनिया में है ऐसे दिखाया जाता है। तो उस तरह से, या तो नींद में दिखाया जाता है, आपने कोई अपरिचित पिक्चर देखा था, साउथ मूवी है अपरिचित, तो उसमें है इस तरह से, तो आप देख लीजिएगा अगर टाइम मिले तो कभी। उसके बाद इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होता है, मतलब डायजेपाम अगर आपने बहुत ज़्यादा इंजेक्शन दिया किसी को, तो उसकी वजह से क्या क्या होता है, टकीकार्डिया होता है, न्यूट्रोपेनिया, मतलब कि जो न्यूट्रोफिल है, आपको पता होगा न्यूट्रोफिल WBC के जो टाइप्स है उसमें न्यूट्रोफिल है, तो न्यूट्रोफिल का काउंट बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, बहुत बार पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, डिजीनेस और ड्राउजीनेस होता है, सेडेटिव इफेक्ट होने की वजह से पेशेंट ज़्यादातर सोया ही रहता है। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट, या तो हम बोलते हैं कि साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को डायजेपाम दे रहे हो तो उसमें आपने केयर क्या करनी है, फर्स्ट थिंग अगर आप IV डायजेपाम दे रहे हो तो IV जो लाइन है उधर थ्रोम्बोसिस होता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है, तो उसका आपने केयर करना है। इंजेक्शन देने के बाद आपने नॉर्मल सलाइन पुश करना है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बार पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होके हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस ड्रग के बारे में कि ये एडिक्शन ड्रग है, इसकी वजह से एडिक्शन होता है, लत लग जाती है। तो लत ना लगे इसके लिए हमें क्या करना है, या तो लत लग गई है तो उसको छुड़ाना कैसे है, तो इस ड्रग को हमें टेम्पर करना पड़ता है। टेम्पर का मतलब होता है कि इस ड्रग का डोसेज कम करना पड़ता है। अगर आप इस ड्रग को समझ लीजिए 5 मिलीग्राम दे रहे हो, तो अगर कम कर रहे हो, इस ड्रग को स्टॉप करना है, तो पहले दिन उसको 4 मिलीग्राम देना पड़ेगा, उसके बाद उसको 2 मिलीग्राम देना पड़ेगा, उसके बाद उसको 1 मिलीग्राम देना पड़ेगा, उसके बाद उसको 0.5 मिलीग्राम देना पड़ेगा, और इस तरह से हम इस डोसेज को कम करते हैं। उसके बाद अगर आपने डायजेपाम का ओवरडोज दे दिया तो क्या करना है, तो फर्स्ट थिंग गैस्ट्रिक लवाज देना है, सपोर्टिव केयर देना है, मतलब कि पेशेंट को अगर सांस लेने में तकलीफें हो रही है तो O2 देना है, अगर पेशेंट को फीवर वगैरह आ रहा है या तो कोई भी और प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें ट्रीट करना है। तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है फ्लुमाजेनिल, तो वो आपने
अगर डायजीपम का ओवरडोज हो गया तो उसमें देना है, लेकिन वो डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही देना, खुद को पता है इसलिए कभी भी देने का ट्राई नहीं करना। ओके, नेक्स्ट ड्रग है डिजोक्सिन। डिजोक्सिन का क्लास है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इनोट्रॉपिक और एंटी डिसरिदमिक। ये हार्ट के एक्शन को प्रमोट करता है, उसके साथ ही हार्ट का जो रिदम है वो भी मेंटेन रखता है। इसका एक्शन क्या है, इट इनहिबिट सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप ये एक हमारी सेल का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो है, आपने शायद से पढ़ा होगा एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट ईयर में है नर्सिंग में या तो किसी भी पैरामेडिकल में देख लो, जो सेल है उसमें सोडियम पोटेशियम पंप है। तो इसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से जो कैल्शियम है हमारी हार्ट के जो टिश्यूज़ है मसल्स है उनको क्या लगता है, कैल्शियम लगता है वर्क करने के लिए। लेकिन ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप क्या करता है, कैल्शियम को हमारे जो सेल्स से है उनके बाहर डाल देता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हार्ट जो है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता ब्लड। लेकिन डिजोक्सिन क्या करता है, इस पंप को ही स्टॉप कर देता है, और इस पंप को स्टॉप करने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो हार्ट के मसल्स है उनको ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम मिलता है और कैल्शियम वर्क करता है अच्छे से, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम करने लगता है और हमारे हार्ट के जो मसल्स है वो भी अच्छे से काम करने लगते हैं। तो ये इसका मेन काम क्या है कि कम एनर्जी कम कंज्यूम करके ज़्यादा काम करना करवाना हार्ट से, मतलब कि ऑक्सीजन का यूज़ कम करवाता है हार्ट से, और फिर भी उसकी कॉन्ट्रैक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से कार्डियक आउटपुट अच्छा ही रहता है, अच्छे से मेंटेन रहता है। तो इसका ये एक्शन है। उसके बाद यूजेस क्या करते हैं, हार्ट फेल्यूर के पेशेंट को देते हैं, आर्टेरियल फिब्रिलेशन के पेशेंट को हम देते हैं, आर्टेरियल फ्लटर के पेशेंट को हम देते हैं, उसके बाद आर्टेरियल टकीकार्डिया है किस पेशेंट को तो उसे भी हम देते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट को देते हैं, पैरोक्सिजमल आर्टेरियल टकीकार्डिया किसी पेशेंट को है तो उसे भी हम डिजोक्सिन का इंजेक्शन देते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है, लेकिन मेजरली हार्ट फेल्यूर के पेशेंट में डिजोक्सिन का यूज़ होता है। उसके बाद डिजोक्सिन के एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो बहुत बार डिसरिदमियाज होता है, आर्टरोवेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्रैडीकार्डिया होता है, और ब्लर विजन भी होता है। तो ये सब चीज़ें आपने मोनिटर करनी है पेशेंट में कि डिजोक्सिन का कुछ, अगर डिजोक्सिन का इंजेक्शन किसी पेशेंट को आप दे रहे हो, पेशेंट मेंटेनेंस डोज पे वगैरह है, तो आपने पेशेंट को कंटिन्यूसली देखना है क्या इसमें उसका पल्स प्रॉपर है, क्या इसके जो पल्स का रिदम है वो अच्छे से है, क्योंकि रिदम आप अगर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिदम में कुछ गड़बड़ है क्या, डिसरिदमिया वगैरह हो रहा है क्या। ओके, उसके बाद काउंटिंग भी अच्छे से रखना है। इसलिए जैसे सब चीज़ें देखने के लिए आपने क्या करना है, ECG मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली चेक करना है, अपाइकल पल्सेस मेनली देखना है, और अपाइकल पल्सेस अगर 60 बीट पर मिनट के कम रहते हैं तो आपने बार बार पल्सेस लेना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट का जो पल्स है वो गिर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। और अगर ओवरडोज हो जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अगर हम डिजोक्सिन दे देते हैं तो उसमें आपने क्या करना है इमरजेंसी में, तो फर्स्ट थिंग डिजोक्सिन का जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो स्टॉप करना है इमिडिएटली। उसके बाद पेशेंट को एज पर उसके बॉडी वेट पोटेशियम देना है, उसके बाद ECG मॉनिटरिंग करना है पेशेंट में, और एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो ड्रग है वो देना है। और पेशेंट में अगर लेटर लेटर हाफ में अगर ओवरडोज के बाद बहुत टाइम बाद पेशेंट में अगर लॉस ऑफ एपेटाइट या तो ब्लर विजन के कुछ केसेस दिखते हैं या तो डिप्रेशन के, तो उसमें आपने क्या करना है कि पेशेंट को उस सिम्टम के वाइज प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। अगर लॉस ऑफ एपेटाइट है तो पेशेंट को जो भी फूड है वो आपको पता है कि अच्छे से फूड देना है, ये वो चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो वो आपने देखनी है कि डॉक्टर के एडवाइस से कौन से फूड डॉक्टर एडवाइस करते हैं उस तरीके से आपने पेशेंट को फूड देना है। उसके बाद ब्लड विजन वगैरह देख रहे तो विजन भी पेशेंट का चेक करना है, प्यूपरी डायलेटेशन कैसे है, क्या अगर बहुत बार पेशेंट क्या होता है कि वेंटिलेटरी पेशेंट होता है उसको हम डिजोक्सिन देते हैं तो उसकी वजह से बहुत बार प्यूपरी डायलेटर रहते हैं, ड्राई प्यूपरी रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या करना है, आई में जो आई ड्रॉप्स आते हैं वो डालने हैं डॉक्टर के एडवाइस से। उसके बाद डिप्रेशन में अगर पेशेंट जा रहा है डिजोक्सिन की वजह से तो उसको भी डॉक्टर के एडवाइस से ट्रीट करना है, साइकेट्रिक रेफरेंस करना है, तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद डोपामिन। डोपामिन इसका क्लास क्या है, एड्रेनर्जिक ड्रग है, इसका एक्शन क्या है, इस इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट। ये क्या करता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है, किस तरह से, ये अल्फा और बीटा जो रिसेप्टर होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में उन पे एक्ट करता है, और उसके वजह से क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, जो ब्लड वेसल होता है उनका कंस्ट्रिक्शन होता है। और अगर इसको हम लो डोज में देते हैं,
लो डोज में मतलब कम अमाउंट में अगर हम इसको देते हैं तो रेनल वैसो डायलेशन होता है, मतलब कि अगर इसको ज़्यादा डोज में देंगे तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता होगा पेरीफेरल ब्लड वेसल्स का। पेरीफेरल ब्लड वेसल्स का मतलब हाथ और पैरों के जो ब्लड वेसल्स है उनका वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, और जो सेंट्रल जो ब्लड वेसल है उनका वैसो डायलेटेशन होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, शॉक में यूज़ करते हैं, और जो हमारे रेनल परफ्यूजन इंक्रीज़ करने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। मतलब किसी पेशेंट में अगर रेनल आउटपुट जो है मतलब कि यूरिन आउटपुट बहुत ही कम है तो इसमें हम क्या देते हैं, लो डोज डोपामिन देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन आउटपुट अच्छे से इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जो किडनी को ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाता है, इसलिए किडनी अच्छे से काम करने लगती है। उसके बाद हाइपोटेंशन को पेशेंट को हम देते हैं, कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक का पेशेंट अगर है तो उसे भी हम डोपामिन का इंजेक्शन दे देते हैं, उसका नॉर्मल कार्डियक रिदम और बीपी मेंटेन करने के लिए, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए। उसके बाद ब्रैडीकार्डिया के पेशेंट को भी हम डोपामिन दे सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को भी हम डोपामिन दे सकते हैं। और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, बहुत बार टकीकार्डिया होता है, हाइपरटेंशन होता है, और हाइपरटेंशन की वजह से सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इसलिए CVP वगैरह मॉनिटरिंग करना है, एंजाइना देखना है पेशेंट को, अगर हार्ट में वगैरह या तो हाथ में, कंधे में या तो बैक में पेन हो रहा है, ऐसे अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो डॉक्टर को इमिडिएटली इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट ऐसे ऐसे कंप्लेन कर रहा है, पेशेंट डोपामिन थेरेपी पे है। और ये एक एज अ नर्स या तो एज अ पैरामेडिकल पर्सन आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये होना ही चाहिए, लेकिन आप बोल सकते हो कि ये इस तरह से एंजाइना का सिम्टम्स दिख सकता है, तो ये आपने डॉक्टर्स को थोड़ा सा सजेस्ट करना है। उसके बाद पाल्पिटेशन के लिए भी आपने चेक करना है, पेरिफेरल टिश्यू नेक्रोसिस होता है बहुत बार, मतलब कि हाथ और पैरों के जो वेसल्स है ब्लड वेसल वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होता है, उनमें नेक्रोसिस होता है, टिश्यू डेथ होता है, तो वो चीज़ें भी आपने याद रखनी है। तो इसकी वजह से प्रॉपर फ्लूइड मेंटेनेंस रखना है हमारी बॉडी में। उसके बाद केयर क्या करनी है, हाइपोवेंटिलेशन पेशेंट को हो रहा है क्या, पेशेंट को ब्रीथ लेने में तकलीफ हो रही है क्या, ये सब चीज़ें याद रखनी है। और अगर ऐसे हो रहा है तो आपने क्या करना है, ऑक्सीजन थेरेपी देना है पेशेंट को, O2 इनहेलेशन देना है, इस जरिए मॉनिटरिंग करना है, BP मॉनिटरिंग करना है 5-5 मिनट बाद, और ओवरडोज हो जाता है तो क्या करना है, ओवरडोज के लिए फर्स्ट थिंग इस ड्रग को आपने स्टॉप करना है, जो थेरेपी है आप दे रहे हो इंजेक्शन वो स्टॉप करना है, और जो अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग है उनको आपने एडमिनिस्ट्रेशन करना है डोपामिन के ओवरडोज में। नेक्स्ट ड्रग है डोबिटामाइन, तो इसका क्लास क्या है, एड्रेनर्जिक डायरेक्ट एक्टिंग बीटा 1 ऑर्गेनिस्ट और कार्डियक स्टिमुलेंट, जो हमारे ब्लड वेसल्स में बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं उनको क्या करना है, ऑर्गेनिस्ट करते हैं, मतलब उनकी एक्शन जो करता है वो स्टॉप करता है, उसके साथ ही कार्डियक स्टिमुलेंट भी है। तो इसके एक्शन का है, इट इंक्रीजेस कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज़ करता है, हमारे कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ करता है, उसके साथ साथ ये हमारा जो हार्ट रेट है उसको भी इंक्रीज़ करता है। तो उसके लिए वो बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है और अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद इसके यूजेस क्या है, कार्डियक सर्जरीज में डोबिटामाइन का हम यूज़ करते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक में हम डोबिटामाइन का यूज़ करते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिसीजेज है उसमें भी हम डोबिटामाइन का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज़ करता है, तो इसीलिए हार्ट का जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है या तो कार्डियक हार्ट रेट है वो मेंटेन करने के लिए हम डोबिटामाइन का इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद कार्डियक कैथेटराइजेशन में भी पेशेंट को हम डोबिटामाइन का इंजेक्शन देते हैं, ताकि उसकी जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, हार्ट रेट है वो अच्छे से मेंटेन रहे। और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, टकीकार्डिया होता है, पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है या तो हाइपरटेंशन भी पेशेंट को होता है, उसके साथ ही इसमें एक रिस्क रहता है हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरटेंशन के साथ ही हाइपोटेंशन भी हो सकता है पेशेंट को, बहुत बार हाइपरटेंशन होता है और बहुत बार हाइपोटेंशन भी होता है, तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। उसके साथ ही एंग्जाइटी में पेशेंट बहुत बार जाता है डोबिटामाइन थेरेपी पे, और उसके बाद हाइपोकैलेमिया मतलब कि पोटेशियम का लेवल पेशेंट की बॉडी में बहुत ही कम हो जाता है बहुत बार, क्योंकि पोटेशियम का ज़्यादा यूज़ होता है जो हो जाता है इसकी एक्शन की वजह से, तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। मतलब कि हमारी बॉडी में जो पोटेशियम होता है उसका एक्सेसिव यूज़ हो जाता है, और एक्सेसिव यूज़ होने की वजह से क्या होता है कि हमारे हार्ट को जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है उसको मेंटेन के लिए पोटेशियम का भी हमें ज़रूरत होता है, लेकिन वो कम पड़ता है, तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी। तो नॉर्मली पोटेशियम जो लेवल है वो अच्छे से मेंटेन रखना है, पोटेशियम ब्लड लेवल, सीरम पोटेशियम लेवल आपने चेक करना है।
केयर क्या करनी है, असेस फॉर हाइपोवोलेमिया, अगर ब्लड वॉल्यूम वगैरह कम हो रहा है क्या पेशेंट को, पेशेंट ड्राउजी दिख रहा है क्या, पेशेंट के स्किन ड्राई दिख रही है क्या, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ऑक्सीजन इनहेलेशन मेंटेन रखना है, अगर पेशेंट को डिस्निया हो रहा है तो ईसीजी मॉनिटरिंग करना है, ईसीजी मॉनिटरिंग करना है। और अगर ओवरडोज हो जाता है तो आपने क्या करना है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो ड्रग है उनको एडमिनिस्टर करना है। और अगर ट्रकी डिसरिदमियाज है तो पेशेंट को जो एंटी डिसरिदमिक ड्रग्स है जैसे कि लिडोकैन तो प्रोपेनोलोल, तो ये इंजेक्शंस देने हैं, डॉक्टर की एडवाइस से ही देना है, अपने खुद के मन से नहीं देना है। तो ये चीज़ें आपने